स्क्रीन पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो एक फेल ट्रांजैक्शन स्लिप है। ये ट्रांजैक्शन रॉयनेट सीएसपी के द्वारा किया गया था कल की डेट में। 2500 रुपए का ये ट्रांजैक्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक का। जब ये ट्रांजैक्शन किया जा रहा था उस वक्त एसबीआई का सर्वर डाउन था, जिसकी वजह से कस्टमर के अकाउंट से उसका बैलेंस कट गया और सर्वर में फंस गया। आप एक रॉयनेट के सीएसपी हैं या किसी भी कंपनी के एईपीएस संचालक हैं, सभी सीएसपी को बहुत अच्छे से पता है कि इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से कस्टमर्स का काफी नुकसान हो रहा है। मैं ये कहूंगा कि नुकसान तो किसी का नहीं हो रहा है, बट ये ग्राहक समझता है कि उसके साथ धोखाधड़ी की जा रही है, चोरी की जा रही है। सीएसपी आए दिन झूठ बोल रहे हैं, पैसा कट जाता है अकाउंट से लेकिन उसको वो कैश प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। सीएसपी कैश कहां से प्रोवाइड कराएगा? ये सारे के सारे झमेले जो हो रहे हैं वो सर्वर डाउन होने की वजह से हो रहे हैं और अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर सही से काम नहीं कर पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर के रिगार्डिंग एक बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, एक धमाकेदार न्यूज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जो अपडेट हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर के बारे में आज मिली है, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वो अपडेट किसी चौंका देने वाली खबर से कम नहीं है। आप सभी जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है और कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था और कोई भी बैंक अपनी बुराई नहीं चाहेगी और ना ही अपने कस्टमर्स को परेशान करना चाहती है। लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी मुसलसल लगातार एईपीएस का सर्वर डाउन चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। लेकिन यही अगर मैं बात करूं एसबीआई सीएसपी के बारे में, तो वहां पर आसानी से आधार कार्ड के माध्यम से, सीआईएफ के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ट्रांजैक्शंस बखूबी हो रहे हैं। लेकिन अगर किसी प्राइवेट पोर्टल की अगर हम बात करते हैं, जहां पे बहुत सारी कंपनियां एईपीएस सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं आप सभी सीएसपी को, तो आपके यहां पर अगर आप किसी भी कंपनी के एईपीएस संचालक हैं तो आपके पॉइंट पर वो अभी ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं। वहां पे लगातार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर डाउन चल रहा है, जिसकी वजह से काफी सारे सीएसपी को और एसबीआई ग्राहक को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका बैलेंस फंस जाता है। वो सीएसपी से मांगते हैं और सीएसपी दे नहीं पाता है क्योंकि उसके पास बैलेंस आया नहीं होता है। तो ओवरऑल जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो ये है कि एसबीआई अपने सर्वर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने वाला है और हो सकता है कुछ ऐसी उड़ती उड़ती खबरें हमारे पास पहुंच रही हैं। कई एक जगह से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है जो चौंका देने वाली है, जैसे कि हो सकता है कि एसबीआई अपने सर्वर में कुछ ऐसे चेंजेस करने वाला है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो एईपीएस की सर्विस दे रही हैं, जितने भी एईपीएस संचालक हैं प्राइवेट कंपनीज़ के माध्यम से जो एईपीएस चला रहे हैं, हो सकता है कि एसबीआई उनके पोर्टल पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आधार कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शंस को रोकने वाला है, ख़त्म करने वाला है, जिसकी वजह से लगातार अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर डाउन चल रहा है। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ आपके साथ ये न्यूज़ को शेयर नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है, बट ये पॉसिबिलिटी है कि स्टेट बैंक ऐसा कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ग्राहक हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में जाना होगा और आप भी जानते हैं कि जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कुछ चुनिंदा बैंकों ने ऑलरेडी अपनी सर्विसेज को बंद कर रखा है कि वो अब उनका कस्टमर एईपीएस के माध्यम से पैसे को विड्रॉल नहीं कर सकता है। कुछ सीएसपी के यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का लेन देन हो रहा है, बट मैक्सिमम सीएसपी के यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा का आधार कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर में। हो सकता है कि प्राइवेट कंपनीज के एईपीएस संचालक अब आने वाले टाइम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक के पैसे को विड्रॉल नहीं कर पाए आधार कार्ड के माध्यम से, और उनका विड्रॉल एसबीआई सीएसपी बखूबी उनका आधार कार्ड के माध्यम से लेन देन कर पाएंगे बिल्कुल हमेशा की तरह। और जो कि अभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट पर अभी भी एसबीआई के ग्राहक अच्छे से लेन देन कर पा रहे हैं, जबकि प्राइवेट पोर्टल पर सर्वर डाउन होने का एरर आ जाता है और कस्टमर का पैसा फंस जाता है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ टाइम के लिए शांत होना पड़ेगा, बहुत ही सोच समझ कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स का लेन देन करें, जिससे कि आपको परेशानी ना हो, कस्टमर आपको टॉर्चर ना करे और आपके साथ कोई भी गलत दुर्घटना ना हो पाए ग्राहक के द्वारा। अगर फ्यूचर में ऐसा होता है कि एईपीएस के माध्यम से अदर पोर्टल्स पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक का पैसा अगर निकलना बंद हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा नुकसान सभी सीएसपी का यह हो सकता है कि आपका बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। बिजनेस डाउन हो जाएगा वो ठीक है, लेकिन एक बड़ी परेशानी से आपका छुटकारा मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक का आपके सीएसपी पॉइंट पर पैसा बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। फिर आपके जितने भी रेगुलर कस्टमर्स हैं आप उनको एडवाइस दे सकते हैं, इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है कि एईपीएस का ट्रांजेक्शन बंद हो जाता है तो आप अपने सभी रेगुलर कस्टमर्स को ये एडवाइस दे सकते हैं कि बैंक जाकर अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड को जारी कराइए। अगर ऑलरेडी उनके पास है तो उनको बोलिएगा कि नेक्स्ट टाइम से
एटीएम कार्ड के थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हैं आपके सीएसपी पॉइंट पर। तो दोस्तों ये थी एक चौंका देने वाली अपडेट जो आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर की है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।